तो भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्टल के अंदर लेकर आया हूँ जिसकी कहानी अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक सुनते हैं तो आपको भी डर जरूर लगेगा। हम इसके अंदर दिन को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि रात को इसके अंदर आना परमिशन नहीं है। पूरी तरह से चार दीवारी से बंद करके रखा है। मैं आपको दिखा दूं, ये हॉस्टल का मेन गेट है और इस साइड बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं और इस साइड भी कमरे हैं। एक बार कैमरे को इस साइड घुमाओ ताकि पता चले कि ये हॉस्टल वाकई में भूतिया हॉस्टल, वॉन्टेड हॉस्टल क्यों कहा जाता है। आगे चलो, आगे अपन कमरे को देखा दे। गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इसके ऊपर बहुत सारी बद्दी गालियाँ लिखी हुई है, इन चीज़ों को आप नोटिस मत करना क्योंकि यार बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं, वो दिन में आकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं। तो भाइयों, यहाँ की कहानी ये थी कि ये हॉस्टल आज से लगभग 50 साल पहले बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था और बच्चे भी इस हॉस्टल के अंदर रहते थे, लेकिन उस समय के लिए स्कूल की छुट्टियाँ हुई और बच्चे हॉस्टल से अपने घर के अंदर चले गए और उसके बाद में भाई साहब इस हॉस्टल की निगरानी रखने के लिए एक पीर बाबा को जिम्मा सौंपा गया और इस हॉस्टल के अंदर रात को कुछ लुटेरे आते हैं और वो इन पीर बाबा का मर्डर कर देते हैं और उसके बाद में भाई साहब इस हॉस्टल के अंदर पीर बाबा की आत्मा घूमती है। उसके बाद में हॉस्टल को संचालित भी किया गया, लेकिन रात को डरने की शिकायत रहती थी, बस हमेशा डर जाते थे और यहाँ के जो टीचर थे वो भी इसके अंदर नहीं रह पाते। ऐसे करते करते एक दिन ये पूरा हॉस्टल खाली हो गया और एक खंडर के अंदर तब्दील हो गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तीन नंबर कमरे पड़े हैं लेकिन अब इसके अंदर रहने वाला कोई नहीं है क्योंकि भाई साहब मैं अभी दिन के टाइम में 3 बजे यहाँ पे हूँ, लेकिन जब रात के 8 बजे का टाइम होगा तो उसके बाद इस हॉस्टल के अंदर कोई भी पैर तक नहीं रखता है। इसके अंदर क्या कहानी है वो तो मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है इसके अंदर, लोग कहते हैं कि उस बाबा की अभी भी आत्माएं घूमती हैं या नहीं, वो पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को पूरा देखना, नज़रें जमा के रखना क्योंकि भाई साहब खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। अब मैंने आपको पूरा का पूरा बाहर से दिखा दिया, अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। अंदर एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर जो बाबा था, पीर बाबा, वो उसके अंदर रहा था, उसकी गर्दन काटी गई थी। अब उस कमरे के अंदर अपन चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि सच्चाई क्या चीज थी। भाइयों, अब चलते हैं उस पीर बाबा के कमरे के अंदर। ये है मैं कहीं जाने के लिए अंदर और हमें भी अपने आप में डर लग रहा है। दिन भी है लेकिन भाई साहब ये है किसी सुनसान जगह के अंदर बनाया गया है जिसकी अपन क्या कल्पना करें। आप अगर हमारे जगह होते तो आपको इस बात का अंदाज लग रहा था कि हम अभी किस स्थिति में हैं। तो बाबा का सोने के लिए जो कमरा था वो यहाँ था और जब जो लुटेरे आए थे वो जा रही है पैरों की वो बाहर जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको अंदर नहीं जाना, यही बता रहा था जो पीछे खिड़की है वहाँ से लुटेरे आए थे और बाबा का जो मर्डर था वो इसी कमरे के अंदर हुआ था। और उसके बाद में भाई साहब चार और घुमाओ, याद रखो ये कमरा है, पूरा का पूरा रसोई था, इसके अंदर एक बार इसके ऊपर कैमरे घुमाओ और पता चले कि आखिर में क्या चीज़ थी। पूरा का पूरा भाई साहब वॉन्टेड बना के रखा है और यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, 50 साल हो चुके हैं। तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं ऊपर के सबको वहाँ पे क्या चीज थी। एक मिनट, कोई यहाँ से सलाह है जी? वैसे गुजरा इस साइड से। हाँ, तो भाई साहब इस हॉस्टल के अंदर हमें पूरे 10 मिनट हो चुका है और हमारे को तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। एक मिनट, पीछे पीछे कुछ था इस साइड से, मेरे को दिखा इस साइड से, इस साइड से उस साइड में गया है। वो भाई
कहाँ गया? तो भैया जैसे ही हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे पीछे से होकर दो तीन बार ऐसे कोई जैसे कि कोई व्यक्ति इधर से इधर गुजर रहा है, तो हमारे को नेगेटिव एनर्जी का बुड्ढा था, बुड्ढा है और अब पूरा का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा है और हम ज्यादा देर के लिए भाई साहब यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ को रिकॉर्ड करें या आपको दिखाए। दिखाने के लिए भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम क्या कहते हैं कि अंदर से जब डर लग रहा है तो कुछ भी कहने के लिए हमारे पास में शब्द भी नहीं है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करना चाहते हैं, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा एक नए हॉन्टेड वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। ख्याल रखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना।